निधि जी, जब मैं पाठ उसके नाम के कराने लग गई तो मुझे थोड़ा होश आया। फिर मैंने उससे पूछा कि भैया, तूने किसी के पैसे देने हैं तो मुझे बता दे। तो एक दिन आके, एक दिन नहीं, उसी दिन रात को बोलता है, मम्मी मुझे ना 500 रुपये देने हैं। तो मैंने सुमित को पूछा कि सुमित, भैया कह रहे थे किसी के 500 रुपये देने हैं। तो कह रहा, मम्मी मेरे देने हैं, भैया ने खाना मंगाया था और बोला था कि मैं दूंगा ये पैसे, पर तुम ऐसा करना कि उसका मैं खाना लेके कुछ भी बांटे आना भैया के नाम से। मैंने बांट दिया। तो जैसे खाना बांटा, उसी रात को आके फिर बोलता है उसको, छोटे को, कि भाई थैंक यू। और फिर मैंने उसी दिन इसको थैंक यू बोल लिया। फिर मैंने पूछा, और किसी के भी देने तो तू बता दे, क्योंकि मैंने आपके वीडियो में बहुत बार सुना कि भाई कर्जा किसी का अगर होता है तो ऐसे ही चुकाना पड़ता है, जिस बार हमें ऐसे चुकाना पड़ा। तो फिर मैंने पूछा तो कहता है कि हाँ मम्मी, 20,000 रुपये प्राची के देने। तो प्राची उसकी दोस्त है। तो मैंने फिर, तो नंबर ही नहीं था उसका, एप्पल का फोन था, खुला भी नहीं नंबर, नहीं तो उसके दोस्तों से नंबर लिया, प्राची को फोन किया। प्राची ने मतलब पहले तो ऐसे करा, जब बहुत जिद करी तो बोले हाँ आंटी देने, पर उसने लिया नहीं। उसने बोला दोस्तों में होता रहता है, हम तो आपस में करते रहते हैं। फिर ये भी हो गया। उसके बाद फिर 85,000 तनख्वाह थी उसकी, वकील था, और भी था, कंपनी सेक्रेटरी जो होता है वो मोर थी, लेकिन वहां नौकरी नहीं करता था तो पैसे वहां से भी आते थे। घर पे बंदे आते थे किसी कंपनी से, मोल लगा के जाते थे, पैसा वहां से भी आता था। तो मुझे पता था अच्छा खासा पैसा है इसके पास, और देता भी था ये। तो मैंने कहा, अमित तूने भी तो दे रखे हैं पैसे किसी को, वो भी तो बता दे किसके पास है। तो फिर उसी दिन रात को आगे कहता है, नहीं, मम्मी उनसे पैसा नहीं मांगना, पैसा मत लेना उनसे। मैंने कहा ठीक है, नहीं लूंगी। और जैसे बोल रहा था कि मेरा भी तुम्हारा है और तुम्हारा भी तुम्हारा है, तो उसके जाने के बाद जब हमारे खातों में पैसे आए या बैंकों से फोन आए, हाँ, तो पता चला कि उसने सुमित के नाम पर, मेरे नाम पर, पापा के नाम पर एफडी करा रखी। अपने पास कुछ रखता ही नहीं था, क्योंकि मेरे से पैसे लेता था। क्या मम्मी इतने ज्यादा, मैं कहती तनख्वाह कहाँ जाती है? तो कहता वो वक्त आने पर पता चलेगा तुम्हें। जाने के बाद पैसा आया उसका, और जो वो आया था दिवाली पर, जो वो बच्चा 5-6 साल का कह रहा था मैं आ गया, तो वो उसको मैंने श्री कृष्णा जाना था, और शायद था भी, क्योंकि मैंने 11 साल रेगुलर परिक्रमा दी थी, चाहे बारिश तो दूर ओले पड़ रहे थे, एक बार ओलों में भी नेम से दी थी 11 साल। वो 31 का होने वाला था, मेरी परिक्रमा को 11 साल हुए थे, 31 का 30 साल 6 महीने का था परिक्रमा दी। तो मुझे लगा वही है, क्योंकि वो भी आता था, ये है ना कृष्णा, ये भी हर महीने आता था। मैं महीने की जो पूर्णमासी आती थी, तो उस पूर्णमासी से पहले शनिवार आता था, उसको जाती थी हर महीने परिक्रमा देने गोवर्धन। तो बिल्कुल पहले भी आता था, ये परिक्रमा का ध्यान दिलाता था। तो उसके उसके जाने के बाद भी मतलब हर महीने आता रहा, और ये सालों आता रहा हर महीने, चल गोवर्धन, चल परिक्रमा को। तो मैंने बोला, भाई तूने छोड़ा ही कहाँ मुझे परिक्रमा लायक, मेरा तो बस का नहीं है। तो मैं उससे बहुत नाराजगी में ही उसको बोला था, क्या तू खुद जन्म लेगा क्या बहन जी? बहुत है, और ये कोई एक दो दिन का नहीं है, अभी भी होता है। कुछ भी पूछना है बताना है, कुछ पूछना है तो बताता है, और कुछ अपनी मर्जी से करना है और गलत है तो वो भी बताता है। और अगर मैं बहुत परेशान होती हूँ, याद तो आती है, मैं बहुत परेशान होती हूँ, तो उसको मतलब कुछ बोलती नहीं, बस बहुत उदासी में सो जाती हूँ, कि दर्द हद से बढ़ता है तो बोलने की शक्ति नहीं रहती। तो अभी भी ऐसे ही, जैसे हम कंधे पे हाथ रख के करते हैं, थपका आता नहीं है, हाथ जैसे रख देते हैं ना पीछे से आके बड़े आराम से, ऐसे मेरे कंधे पे हाथ, ये तो है ही, ये तो है ही। और मैं तो इस सब के पीछे ना ज्यादा आपको ही मानती हूँ, कि मैं तो पढ़ी भी नहीं, आपको पता है, मैसेज करती थी तो मतलब मेरे को तो आता ही नहीं था लिखना, कुछ भी लिख देती थी उल्टा सीधा, तो आप शायद आइडिया लगा लगा के मुझे जवाब देते थे। जो भी हुआ, जो भी मैंने किया,
मेरा कल्याण हुआ या मेरे बेटे का हुआ, वो सब आपकी वजह से हुआ। आप जो जो बोलते गए, मैं आपके वीडियो सुन सुन के वही करती गई, और उसका कल्याण हो गया। नहीं तो पहले तो वो आता ही नहीं था मेरे पास बिल्कुल भी। बहुत यही है बहन जी, बस आप हमेशा खुश रहें, ऐसे हम जैसे लोगों को तसल्ली देते रहे, हम जैसों को ही क्यों, जो भी आपका वीडियो सुनेगा सबका कल्याण होगा। आप हमेशा खुश रहें, सुखी रहें। निधि जी, जब मैं पाठ उसके नाम के कराने लग गई तो मुझे थोड़ा होश आया। फिर मैंने उससे पूछा कि भैया